अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज मैं काले चने बनाने वाली हूँ। इसे हमने ओवरनाइट के लिए अच्छे से भिगो लिया है। ये नियर अबाउट 200 के करीब है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज मैं लाल चने बनाने वाली हूँ। जिसे हमने ओवरनाइट के लिए भिगो लिया है। इसे ये नियर अबाउट 350 ग्राम है। साथ ही हमने एक बड़े साइज़ की प्याज लिया है। इसे हमने इस तरह से स्लाइसिस कर लिया है। और एक मीडियम साइज़ के टमाटर है, इसे भी हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। ये 5 to 6 ग्रीन चिल्ली से इसे हमने 2 टुकड़े कर लिया है। और सूखे मसाले में हमने लिया है 1/2 टीस्पून हमारे गोल मिर्च की पाउडर है, 1/4 स्पून हमारे हल्दी पाउडर है, 1/2 स्पून हमारे सॉल्ट है, 3 स्पून हमारे वेजिटेबल ऑयल है। स्टार्ट कर रही हूँ। मैं प्रेशर कुकर में ये सारे चने को डाल दे रही हूँ। इसमें सारे मसाले डाल दे रही हूँ जिसे हमने काट के रखा है, टमाटर, प्याज, ग्रीन चिल्लीस। अब मैं इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ, सॉल्ट, गोल मिर्च की पाउडर, हल्दी। मैं वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर दे रही हूँ। मैं 2 बॉल वाटर ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ। हमने चने को चढ़ा दिया है गैस पे। अब जब इसमें एक विजल आ जाएंगे तो मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट तक गलाऊंगी। ये देखिए 20 मिनट्स हो चुके हैं, इसके प्रेशर भी रिलीज हो चुके हैं। अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ। देखिए ये अच्छे से गल चुके हैं। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो है अभी भी खड़े खड़े हैं। मैं इसे इस तरह से चला ले रही हूँ, इस तरह से मैं स्मैश कर ले रही हूँ इसे। इसमें जो प्याज है, टमाटर है, ग्रीन चिल्ली है, ये थोड़े खड़े खड़े हैं, इसे मैं थोड़ा स्मैश कर ले रही हूँ। देखिए हमारी सारी चीज़ें अच्छे से स्मैश हो चुकी हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर रही हूँ। गैस के फ्लेम को ऑन कर चुकी हूँ। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर है, मैं इसे थोड़ा सुखा ले रही हूँ। आपको जितना ग्रेवी रखना है आप रख सकते हैं, लेकिन हमारी ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा इसे 3 से 4 मिनट इसे पकाऊंगी। मैं चीज़ों को हमने स्मैश कर दिया। स्मैश करके मैं इसमें 3 से 4 विजल और लगा ले रही हूँ मैं इसे। देखिए हाई फ्लेम पे हमारे 3 से 4 विजल हो चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। ये 3 से 4 विजल मैं लगा चुकी हूँ इसमें हाई फ्लेम पे। अब मैं फिर से इसे ओपन कर रही हूँ। ये हमारी खड़े मसाला का चना बनकर तैयार हो चुके हैं। मुझे ग्रेवी भी इतनी चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। अब मैं इसे डिश आउट कर ले रही हूँ। हमारे लाल चना बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे आप रमज़ान में बना सकते हैं, आप नॉर्मल डेज में इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं जिस तरह से हमने बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे घर पर बनाकर जरूर एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी सी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।